उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु प्रशासन के द्वारा लगातार अपराधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की खबरें आपने सुनी होगी। उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के पिछोर में मामा का बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया है। कुछ दिनों पूर्व एक कोचिंग संचालक के द्वारा पिछोर निवासी एक युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का प्रयास किया गया था, जिसे की मामौर कला पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी कोचिंग संचालक के एक अवैध निर्माण पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र में प्रशासन की इस कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि समूचे विधानसभा में लगातार ऐसे अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, प्रशासन को उन अवैध कब्जों के विरुद्ध भी कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। खनिया थाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट।